नमस्कार, न्यूज बाइसेस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन लोगों की मांग को लेकर तमाम जो सफल अभ्यर्थी अलग अलग जिले से यहां पर पहुंचे हैं, मतलब राजधानी रांची पहुंचे हैं और अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक है और तमाम जो सफल अभ्यर्थी है उन लोगों की ओर से एक रणनीति बनी है कि आज ये लोग प्रोजेक्ट भवन के समक्ष बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। पहले तो हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा सकते हैं कि अलग अलग जिले से पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन पहुंचे हैं। एक और जहां पंचायत सचिव यहां पर पहुंचे हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने, वहीं दूसरी ओर पुलिस बल की भी यहां पर तैनाती की गई है। पुलिस बल की ओर से कहा जा रहा है कि अगर ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना नहीं करते तो इन लोगों को यहां से हटा दिया जाएगा। तो ये आपको हम लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन की, जहां पे तमाम सफल अभ्यर्थी पहुंचे हैं और अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है। तो यहां के कुछ अभ्यर्थी से बात करते हैं कि यहां पे जो पुलिस बल पहुंचे हैं क्या कुछ उन लोगों से बातें हुई है। कहां से आए हैं? गिरिडीह से। क्या कुछ बातें हुई है पुलिस लोगों की आप लोगों से? ये तो हम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ 44 लागू हो जाता है, पता नहीं हम लोग को मतलब कुत्ता समझ के रख लिया। यहाँ पे 144 धारा लागू हो गया, मतलब हर जगह से खदेड़ के भगा दिया जाता है। बोलते हैं कि जहाँ पर आप लोग का धरना स्थल है वहाँ बैठिए, वहाँ बैठने पर कुछ पूछता नहीं है। हम लोग 20-21 दिन से बैठे हुए हैं, अभी भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं, हम लोग को आज तक तो कोई पूछने नहीं आया, और यहाँ भी आए तो यहाँ भी से भगा रहे हैं। अच्छा, आज आप लोग प्रोजेक्ट भवन क्यों आए हैं? आप लोग राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज आप लोग प्रोजेक्ट भवन क्यों आए हैं? क्योंकि आज कैबिनेट का बैठक है और सारे मंत्री का घर हम लोग जा के देख लिए, उनका तो दरवाजा डायरेक्ट मुंह पर हम लोग को बंद किया गया है। इसके वजह से हम लोग सोचे कि कम से कम आज तो मौका मिले हम लोग को अपना दुख दर्द बयान करने का। उन्हें तो हम लोग उनका घर गए हैं लेकिन उन्हें आराम करने से फुर्सत ही नहीं थी, कम से कम आज देखे और आज हम लोग का कुछ तो करे। क्या लगता है आज आप लोगों की जो रणनीति बनी है कि आज आप लोग प्रोजेक्ट भवन के समक्ष तमाम जो मंत्री उन लोगों से मुलाकात करेंगे या फिर बात करेंगे या फिर मुख्यमंत्री से आप लोगों की जो मुलाकात करने की कोशिश है अगर वो हो जाती है तो क्या लगता है कि आप लोगों की जो समस्या है वो उसका समाधान हो जाएगा? बिल्कुल होगी, क्योंकि हम लोग आए हैं इसलिए क्योंकि बहुत मेहनत किए हैं, कोई मजाक थोड़ी है। वो बोल देते हैं कि फिर से मेहनत करो, फिर से एग्जाम भरो। क्या हम जोक मारे हैं? जो आपको पसंद नहीं आया हम फिर से मारे? ऐसा थोड़ी है, मेहनत किए भाई, मजाक थोड़ी है। तो आप देख सकते हैं तमाम जो सफल अभ्यर्थी उनका कहना है कि आज ये लोग प्रोजेक्ट भवन इसलिए आए हैं क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है, तमाम जो मंत्री है वो आज प्रोजेक्ट भवन आएंगे और ये लोग अपनी समस्याओं से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं अलग अलग जिले से यहाँ पर जो सफल अभ्यर्थी है पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 144 धारा लागू किया गया है। तो इनका कहना है कि जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ पे 144 धारा लागू कर दिया जाता है, तो आखिर अब हम लोग कहाँ जाए? हर मंत्री के हमने दरवाजे खटखटाए हैं, हर विधायक से हमने मिलने की कोशिश की है लेकिन वहाँ से बस आश्वासन ही हमें मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो सफल अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आज क्यों पहुंचे आप लोग? हम लोग अपनी मांग को लेकर आए हैं क्योंकि हम दरवाजा पे पहुंच के सभी विधायक और मंत्री से बात की है। सभी ने बोला है कि हाँ आपकी बात को हम कैबिनेट में रखेंगे, लेकिन वो रखते हैं या नहीं रखते हैं या भूल गए हैं, तो जिसके वजह से हम लोग आज आए हैं कि आप हमारी शक्ल को देखिए, हमें पहचानिए कि हम अभी भी आपका जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारी बात को संज्ञान में लिए हैं या नहीं लिए हैं। और हम यहाँ इसलिए खड़े हैं ताकि आप जाते वक्त एक नज़र हम पर झांकिए कि हम लोग कितने आशा के साथ आपकी बातों को लेकर सुनने के लिए बेताब हैं, और ना अंदर जाके भूल मत जाइएगा कि ये लोग कौन है नहीं है, क्योंकि हर बार की तरह ऐसा ही होता, हम लोग के साथ धोखा हुआ है। तो अगर ऐसा धोखा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को समझिए, सुनिए, हमारे दुख व्यथा को सुनिए कि हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग कोई आतंक फैलाने नहीं आए और ना ही शोर शराबा करने आए, बस हम अपनी मांग को रखने आए हैं, सरकार को याद दिलाने आए कि जब आप अंदर घुसिएगा तो हम लोग को देखिए कि हम लोग कितना प्रभावित है, और हमारी बात को रखिए, बहुत अच्छे से रखिए और हमारी नियुक्तियों को कन्फर्म कीजिए, बस यही चाहते हैं, यही विनती है हमारी। पुलिस की ओर से आप लोगों को क्या कहा जा रहा है जब से आप लोग यहाँ पर आए हैं? पुलिस की ओर से क्या कहा जा रहा है? बोल रहे हैं कि यहाँ 144 धारा लागू है, आप लोग इस तरह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और नहीं होगा तो हम आगे कार्रवाई भी हो सकती है। मेरा कहना है कि हम कोई यहाँ आतंक नहीं फैलाने आए हैं, हम जहाँ जाते हैं 140 धारा लागू हो जाती है, पहले नहीं रहती थी बाद में हो जाती है, क्या करें हम लोग, इतना ज्यादा अशुभ और अभागा सरकार हमें बना दे रही है कि जहाँ जाते ही 140 लगे तो लगे। आज तो ठान लिए हैं
सरकार घुसा दे अंदर जेल में, ऐसे भी घुट घुट के घर में जेल ही बने हुए हैं। घुसा रोटी पानी तो मिलेगा ना फ्री का, हम लोग जाने के लिए भी तैयार हो, लेकिन आज अपनी मांग को हम मनवा के रहेंगे। सरकार को माननी ही पड़ेगी, अगर वो नहीं मानेंगे तो हमें मृत्यु दे दे। मतलब आज आप लोग यहीं पर रहेंगे, प्रोजेक्ट भवन के समक्ष ही रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारी बात को वहाँ नहीं रखा जाता, हम अपने कानों से नहीं सुन लेते कि आपकी नौकरी कंफर्म हो गई है, हो जाएगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और सरकार को हमारी बात को माननी पड़ेगी कि वो ये रिक्वेस्ट समझे, और नहीं तो फिर मृत्यु के लिए आप व्यवस्था कर दीजिए। यहाँ पे क्या कुछ अलग होगा? इससे पहले भी आप लोग मिथिलेश ठाकुर से भी मिले, सत्यानंद भोक्ता से भी मिले, कई मंत्रियों से भी आपने मिले, जगन्नाथ महतो से भी मिले, यहाँ क्या कुछ अलग हो जाएगा? यहाँ पे आज कैबिनेट है, यहाँ पे क्या कुछ आप लोग बोलेंगे? ये है कि आज कैबिनेट में सारे मंत्री इकट्ठा एक साथ आएंगे, तो हमें ये भरोसा और आशा भी है कि सभी लोग जाएंगे तो हमारी बातों को रखेंगे, और सभी ने आश्वासन भी दिया है, क्योंकि हम लोग तो डोर टू डोर सबके पास गए हैं, तो कहीं कोई भूल ना जाए, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ है कि आप याद आ जाए और जाए और हमारी बातों को गंभीरता से रखे और हमारी नियुक्ति को कन्फर्म करे, इस तरह से अन्याय ना करे। जिस तरह टीचर लोग की नियुक्ति करवाए हैं, और वो चाहे रघुवर सरकार की पाप थी चाहे पुण्य था, लेकिन आप करवाए तो वही समझ के हमें करवाइए। अब हम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो फिर हमें हमारी मृत्यु निश्चित कर दीजिए। अगर नियुक्ति नहीं कर सकते तो मृत्यु कर दीजिए निश्चित। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि यहाँ के इलाके पर 144 धारा लागू किया गया, और ऐसे में इकट्ठा होना, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ 144 धारा लागू किया जाता है, आखिर हम किसके पास जाए? इससे पहले भी हमने कई मंत्रियों के घर भी गए हैं, कई मंत्रियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से कुछ नहीं मिला है, बस वहाँ से आश्वासन मिला है। तो यहाँ पर बस हम लोग पहुँचे हैं, मतलब प्रोजेक्ट भवन बस हम लोग पहुँचे हैं सारे मंत्रियों को याद करवाने के लिए कि हम लोगों ने आपके घर आकर अपनी समस्याओं को बताया था, रखा था। तो तमाम जो जिले हैं वहाँ से सफल अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और कैबिनेट में जिन लोगों की समस्या है वो उठे, इसको लेकर भी ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से इन्हें बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर 144 धारा लागू किया गया है। अब जिस तरीके से ये लोग अपनी समस्या को लेकर हर मंत्री हर विधायक के घर पहुंचे, आज ये लोग प्रोजेक्ट भवन पहुंचे, अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की जो समस्या है उसे कब तक पूरा दूर करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 स्कोप, रांची।